नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सिगरी वाला 3 बर्नर ऑटोमेटिक गैस स्टोव की। दोस्तों ये हमने अभी फ्लिपकार्ट जो पे जो सेल हुई थी उसमें से मंगवाया है और हमारे को काफ़ी वाजिब दाम पर मिला है। तो हमने सोचा कि हमारे व्यूअर्स को ये इसके बारे में बताना चाहिए, दिखाना चाहिए भी एक कम प्राइस पे आप एक अच्छा गैस स्टोव कहाँ से ले सकते हैं और उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। इसी के लिए हमने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और शुरुआत करते हैं अभी अनबॉक्सिंग की। दोस्तों ये हमने अभी फ्लिपकार्ट चैनल से मंगवाया है और जस्ट मैं इसको निकाल देता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसमें हमारे को क्या क्या मिलता है। देखने में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है और टफन ग्लास है इसके ऊपर और काफ़ी हैवी मेटल्स है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। और ये काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है इसका। और हमारे को इसके साथ मिलता है कि ये वारंटी कार्ड है जिसमें आपको एक साल की वारंटी भी मिलती है डोर स्टेप, जिसमें कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको डोर स्टेप पर ही सर्विस मिलती है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों हमने नेट पे हमने भी काफ़ी सर्च किया था कि एक अच्छा चूल्हा चाहिए था और काफ़ी यूज़र्स भी ये सोचते हैं कि भी आज के टाइम में एक अच्छा चूल्हा है तो उसकी क्या क्या एडवांटेज होनी चाहिए। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमारे को ये काफ़ी अच्छा मिला जिसमें कि एक कम दाम में आपको एक ऑटोमेटिक 3 बर्नर वो मिलता है। ये तकरीबन हमारे को 2000 रुपये में मिला क्योंकि अभी सेल हुई थी, तो जैसे ऑर्डिनरी इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 2500 से 3000 के आसपास रहता है। तो कोशिश करना कि अभी अभी जैसे नेक्स्ट सेल आएगी तो आप उसमें इसे खरीदें ताकि आपके पैसे भी बचे और ये देखने में काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर जो पार्ट्स दिए हैं ये 3 बर्नर्स हैं दोस्तों और ये बैक साइड में दिए हैं। तो अभी मैं आपको इसको खोल के और इसको सेटअप करके दिखाता हूँ। ISI ब्रांड रेगुनाइज्ड स्टोव है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई भी ऐसा मैटर नहीं रहेगा कि आपको सिक्योरिटी को लेकर कोई भी डाउट होगा। और बकायदा इस पर लिखा हुआ कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको डोर स्टेप वारंटी भी मिलेगी, यानी कि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा और आपको घर पे ही ये सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों आइए जल्दी से इसका 360 व्यूज़ देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट हमारा कैसा है और कैसा कैसा हमारे को एंगल से ये दिखाई। तो टॉप से दो हमने आपको दिखा ही दिया, काफ़ी अच्छा है, टफंड ग्लास है इसमें और इसकी थिकनेस है तकरीबन 8 mm के आसपास है और काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छा। उसके पीछे ये जो नोब लगी हुई है दोस्तों ये 360 में है, आपको ऐसी बात नहीं रहेगी कि आपको आपका गैस सिलेंडर से वायर इधर आ रखी है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 360 मूवेबल है, आप इसको चाहे जहाँ पे इसको कर सकते हैं। और बैक साइड से भी सबसे बड़ी अच्छी बात है दोस्तों इसमें नीचे भी एक फिल्म लगी हुई है जिससे आपको रस्टिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसमें ये ऑटोमेटिक्स के ये वॉल्व दिए गए हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहीं से ऑटोमेटिक स्पार्क होगा और आपको ना तो कोई मैच बॉक्स की जरूरत पड़ेगी और ना ही लाइटर की। अब वो कैसे काम करेगा हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। तो आपको मैंने इसकी बैक साइड दिखाई और अभी मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ कि नॉब है और ये कैसे वर्क करते हैं। ये 3 बर्नर्स हैं, इसमें जिस चूल्हे में 2 बर्नर बड़े हैं और एक बर्नर जो मिडल में है वो छोटा है ताकि आपकी ज़रूरतों को सफिशेंटली पूरा हो जाए, मतलब आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये इसकी नॉब्स हैं और ये जो इन्होंने साउंड की है ये जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक इग्निशन के लिए ये साउंड करता है ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे स्पार्क होगा और आपका चूल्हा जल जाएगा। अभी मैं इसको पूरी तरह से इंस्टॉल करके भी आपको जल्दी ही दिखाऊंगा।
तो आइए दोस्तों, अभी इसके साथ जो हमारे को एसेसरीज जो मिली हैं उनको भी असेंबल कर लेते हैं कि हमारा, और इसको चालू करके देखते हैं कि हमारे को इसमें कैसे ये काम करेगा। दोस्तों इसके साथ से हमारे को ये लेग्स मिली हैं जो इसके हमारे को अभी इसमें फ़िट करनी है, तो चलिए इसको पहले फ़िट कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको ये कैसे काम करता है। तो इसको आप, ये बहुत ही ईजी है, कोई इश्यू नहीं है, आपको जस्ट इसमें स्क्रूज़ हैं वो इनको निकाल के और इसमें ये फ़िट करना है। दोस्तों हमने ये बैक साइड से हमारे इसको रेडी कर दिया है और अब जो टॉप की इसकी एसेसरीज़ हैं वो उसमें फ़िट कर देते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। और ये हमने इसके बर्नर्स लगा दिए हैं और ये के साथ जो आपको बर्तन रखने के लिए जो इसका बेस है वो ये है, इसको इजीली आप फिट कर देंगे और इसको लगाने के बाद हमारा जो स्टोव है वो रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अभी हमारा स्टोव बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब बस बचता है कि इसको हम अपना LPG उससे जोड़ दें और इसकी फ्लेम आपको हम ज़रूर चेक करवाएंगे ये कैसा काम करता है, ऑन कैसे होगा और इसकी फ्लेम कैसी है। दोस्तों हमने इसको कम्प्लीटली असेंबल कर लिया है और यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन दोस्तों हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसमें कुछ सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेंगी इसको यूज़ करते हुए। एक तो यह कि आप इस पर कभी भी कोई हार्ड जैसे कपड़ा ऐसा ना करें जिससे इसमें स्क्रैचेज पड़ जाएँ। और दूसरा सबसे जो मेन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी वो ये कि आपको यूज़ करने के बाद तुरंत इसको साफ़ नहीं करना है। क्यों होता क्या है कि आपने जैसे इसको यूज़ किया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है और आपने कपड़े से इसको पोंछ दिया तो जो ग्लास है वो ब्रेकेज होने के चांसेज रहेंगे। स्पेशली इस पे लिखा भी हुआ है कि आपको यूज़ करने के तुरंत बाद इसको साफ़ नहीं करना है, बल्कि इसको जब भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको ही साफ़ करना है। चलो दोस्तों अब इसको उस पे पाइप से जोड़ के इसकी और फ्लेम और आपको दिखा देते हैं कि कैसे काम करता है और इसकी फ्लेम कैसी है। दोस्तों अब हमने अपने चूल्हे को इंस्टॉल कर दिया है और इसमें मैंने इस पे LPG का कनेक्शन इसमें कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑटोमेटिक काम कैसे करता है। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना लाइटर की जरूरत पड़ी, ना आपको कोई मैच बॉक्स की जरूरत पड़ी। जस्ट आप इसको ऑन किया और आपका बर्नर काम करने लगा। मैं आपको एक बार दोबारा फिर दिखाता हूँ, ये आप क्लोज हो गया और ये दोबारा जस्ट, और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।